कैसे कैसे आम, देखिए बारहमासी आम सभी फल ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन एक चांस की बात है कि ये अपने रंग रूप में आजकल पका आम बौर भी लगा हुआ है, और ये आम छोटा सा ऊपर कितना सुंदर इसका रंग बन गया है। ये देखिए, ये है बारहमासी आम, सभी ऐसा नहीं होता है, कोई कोई आम में ऐसा रंग बन गया है। गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं, ये बारहमासी आम है। ये हरे आम भी लगे हुए हैं, तो आपने पका हुआ आम देखा, अब ये हरे रंग में बिल्कुल आम। आज 6 अगस्त है, 6 अगस्त 2009, इसी पेड़ में कहीं बौर भी लगा होगा। ये ऊपर देखिए बौर भी लगा है, सामने मंजरी लगी हुई है, पेड़ में मंजरी है, मंजरी के आगे ये टिकोरा है, टिकोरे के बगल में देखिए फिर एक आम लगा हुआ अंदर ऊपर। थोड़ा बड़े साइज में आम है, अब तरोई देखें चल करके। मेहनत करने से सारी चीज़ें संभव हैं। पुराने कपड़े सब चीर के फाड़ के सब देखिए जाल बनाया, जगह जगह तरोइयाँ जो हैं सब तरोई लगी हुई हैं। घर में सब्जी मौजूद, तरोई भी है, लौकी भी है, और सब अकेले दम से ही करना पड़ता है, यहाँ कोई माली नहीं, नौकर नहीं, एक लगन होनी चाहिए। सामने लौकी भी लगी हुई है, अभी तक काफ़ी इसमें फल आ रहे थे, अब ये दूसरी, अब जाड़े वाली लौकी गोल वाली अलग तैयार कर रहे हैं। एक लौकी अंदर लगी हुई है, ये तरोई छोड़ दिया है बीज के लिए। फूल भी आ रहे हैं सामने, ये तो कीड़ा लगा हुआ है फूल के ऊपर, ये अपने फूल को ही चट कर रहे हैं, हालांकि इस फूल से कोई नुकसान नहीं है, कीड़ा लगा हुआ है, उड़ गया। सारे जाल बने हुए हैं, धीरे 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 इसके ऊपर वो अपना फैलता जा रहा है। ये बैठा हुआ है अंधेरे में, ये बाहरी कुत्ते हैं अंदर घुस के बैठे हैं, मक्खी इनको काटती, ले जाए इनको, और नहीं कहीं जगह मिला। ये गीतांजलि
पशु सेवा केंद्र में ही डटे हैं आकर के। सामान उमान का बाड़ उबाड़ पड़ा है, उसी के अंदर छिप के बैठा हुआ है, इसलिए नहीं भागते हैं कि इनको मालूम है यहाँ का यह रखवाला जो है हमें मारेगा नहीं, नहीं दूसरे के घर में घुस जाएं तो आफत हो जाए। नारियल कमरख अब आ रहे हैं, छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं, मंजरी आ रही कमरख में। अब एक महीने के बाद काफ़ी कमरख होगा इसमें। ये गोल्डन चंपा फ्लावर, ये इसकी कलियाँ लगी हुई हैं। करौंदे लगे हैं, अगस्त के महीने में जन्माष्टमी में लोग सजाने के लिए इसे ले जाते हैं। आपका काफ़ी सुंदर देखने में लगता है करौंदा। गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं।
पीला फूल अपने बहार पर है, काफी लगा हुआ है उसमें। जिस गाय की सेवा हो रही है वो गाय यहाँ बैठी है, लंगड़ी गाय है। जहाँ घास मुलायम जगह देखती है वहीं बैठ जाती है।